इससे क्या होगा जो भी लर्नर्स है उनके अंदर जो भी ग्लोबल अवेयरनेस है वो डेवलप होगी दिस दिसंट्री ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु एंटर एन एग्रीमेंट सो ये जो इंडिविजुअल ग्रुप है या जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को मिला के बनता है कुछ लोगों को मिला के बनता है हु एंटर इंटू एन एग्रीमेंट जो एक एग्रीमेंट के अंदर बंधे हुए होते हैं टू अकम्पलेश पर्पज के लिए फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि कुछ कंट्रीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं एक मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन करते हैं जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं लुक एट द लोगोज को आपको देखना है रीड द क्लूज क्लूज को पढ़ना है नेम ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनलट्री ऑर्गे तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेश नेम दिए गए हैं आपको उनके नेम्स लिखने हैं so here द first वन is dash was क्रिएटेड by द यूनाइटेड नेशंस जनरल assembly ऑन 11 दिसंबर 1946 तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है उसने 11 दिसंबर 1946 को बनाया था और क्या क्या एक्टिविटीज ये करते हैं दे प्रोवाइड इमरजेंसी फूड एंड चिल्ड्रेन एंड मदर ऑफ़ पुअर कंट्रीज तो ये एमरजेंसी फूड प्रोवाइड करते हैं हेल्थ के प्रोवाइड करते हैं बच्चों को और उन मदर्स को जो पुअर कंट्री से बिलोंग करते हैं

फोकस ऑन एजुकेशन एजुकेशन पे फोकस करते हैं साइंस पे फोकस करते हैं और कल्चर्स पे फोकस करते हैं एंड इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन सिमिलरली थर्ड वन इज गिवेन य डैश इज द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क ये यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है एंड ये क्या करता है इट फोकस ऑन एजुकेशन एजुकेशन पे फोकस करता है एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ इश्यूज पे फोकस करता है लाइक एड्स एंड मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन सो यू हैव टू नेम देम नाउ द फोर्थ डैश इज दर्ल्ड लार्जेस्ट एनजीओ ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनजीओ है और क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं प्रोटेक्ट दिक्टिम प्रिजन एंड सिविलियंस ऑफ वॉर तो ये जो भी विक्टिम्स होते हैं प्रिजनर्स होते हैं या जो सिविलियंस होते हैं वॉर की कंडीशन में उन्हें ये प्रोटेक्ट करते हैं सो नेम। फिफ्थ वन इज इज इट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मेन काम क्या था रिस्टोरिंग बेसिक चिल्ड्रन लाइक एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ये बच्चों को बेसिक राइट्स देता है जैसे एजुकेशन का राइट हेल्थ का प्रॉपर हेल्थ का राइट और न्यूट्रिशन का राइट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम अब्यूज बाय द पेरेंट्स और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करता है उनके पेरेंट्स के अब्यूज या फिर नेगलेक्शन से सो राइट द नेम ऑफ द गिवेन ऑर्गेनाइजेश